पर क्लास सिक्स चैप्टर नंबर फोर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। सी यहाँ पे एक फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर को यूज़ करके आपको 5 पॉइंट्स के नेमिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको नेम्स क्या दिए हैं, 5 पॉइंट्स हैं डी ई ओ सी एंड बी। दिस इज़ हाउ यू कैन नेम देम। 5 पॉइंट्स इन द फिगर आर पॉइंट डी ई ओ बी एंड सी। देन व्हाट दे आर टेलिंग, यू हैव टू यूज़ द फिगर टू नेम अ लाइन। आपको एक लाइन का नाम बताना है यहाँ से। तो लाइन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लाइन क्या होता है, जिसके जो इनफाइनाइट लेंथ की होती है और जिसके यहाँ पे इस तरीके से दो एरोज हमें नज़र आते हैं, फाइन। सो दैट इज़ योर लाइन। सो हियर अ लाइन इन द गिवन फिगर इज दिस, दिस इज़ द लाइन। व्हाट इज़ द नेम, डी बी, डी बी इज़ द लाइन। नेक्स्ट फोर रेज बतानी है। अब रेज कैसी होती है, ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेज जो हैं वो इस टाइप का सिंबल होता है। तो आप देखो ओ बी, ओ बी में रे है, ओ एफ इज़ अ रे, ओ सी इज़ अ रे, फाइन, एंड ई डी इज़ अ रे, और यू कैन से ओ डी इज़ अ रे। ई डी भी बोल सकते हो, ओ डी भी बोल सकते हो, फाइन। सो दीज आर द रेज। देन दे आर आस्किंग यू द फाइव लाइन सेगमेंट्स। फाइव लाइन सेगमेंट्स आपसे पूछ रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट्स देते हैं, फाइन। देन सो लाइन सेगमेंट्स आर लाइक दिस, डी ई, डी ई आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो भी एक पॉइंट है, ई जो है वो भी एक पॉइंट है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो गया, इसलिए डी ई आपका क्या है, डी ई आपका लाइन सेगमेंट है। देन ई ओ क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओ बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओ सी क्या है, लाइन सेगमेंट है, फाइन। ई बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और डी बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, फाइन। सो ये सब जो हैं वो आपके लाइन सेगमेंट्स हैं, फाइन। लाइन सेगमेंट ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ ऑफ फाइनाइट लेंथ, इट इज़ टू एंड पॉइंट्स, वन स्टार्टिंग पॉइंट, वन एंडिंग पॉइंट, एंड इट इज़ ऑफ फाइनाइट लेंथ। उसकी जो लेंथ होती है वो भी कैसी होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइन गिवन इन ऑल द पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली टू लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। क्या करना है, आपको एक लाइन दिया है, इसमें आपको नेमिंग करना है, गिवन इन ऑल द पॉसिबल 12 वेज, आपको 12 वेज से इसको नेमिंग करना है, चूजिंग ओनली टू लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। अब आपको एक लेटर को, चूजिंग टू लेटर्स एट अ टाइम, मतलब दो लेटर आप यूज़ करोगे, लाइन को नेमिंग करना है तो दो लेटर तो यूज़ करेंगे ही, और 12 पॉसिबल वेज में इसका नेमिंग करना है, फाइन। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, ए बी सबसे पहले तो कैसे हो जाएगा, 12 पॉसिबल वेज में आपका सबसे पहले बन जाएगा ए बी, ओके, फिर हो जाएगा ए सी, देन ए डी, फिर हो जाएगा, पहले हम ए को सिलेक्ट करेंगे, ए बी ए सी एंड ए डी, फिर हम बी को सिलेक्ट करेंगे, बी ए बी सी बी डी, फिर हम सी को सिलेक्ट करेंगे, सी ए सी बी सी डी, देन डी को सिलेक्ट करेंगे, डी ए डी बी डी सी, फाइन। इस तरीके से हमने 12 वेज में नेमिंग कर दिया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। यूज़ द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। यहाँ पे आपको ये फिगर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइन्स आर देयर, ए ई सी ओ एंड दिस लाइन, ओके, एफ ई। तो ये एफ ई जो है ये भी हमारा एक लाइन है, सी ओ है ये भी लाइन है, और ए ई भी लाइन है। इसमें से आपको बताना है कि लाइन का नाम बताओ जिसमें पॉइंट ई हो, तो लाइन का नेम बताना है पॉइंट ई वाली, ओके, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, ए ई, ए ई जो है उसके अंदर ही ई आ रहा है ना, तो ए ई लाइन का नाम हो जाएगा, ओके। सी हियर एवरीबडी, अ लाइन कंटेनिंग दैट कंटेन्स पॉइंट ई इज एफ ई, ठीक है, एफ ई, द अदर लाइन इज ए ई। आप इसको एफ ई भी बोल सकते हो, ए ई भी बोल सकते हो, क्योंकि एफ ई में भी ई आ रहा है और ए ई में भी ई आ रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू ए,
लाइन पासिंग थ्रू ए, ए में से जो लाइन पास हो रही है उसका लाइन बता, उसका नाम बताना है। तो ई ए क्या नाम बताएंगे हम, ई ए, ओके, लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए इज बी डी। देखो बी डी, ओके, और या तो फिर आप बोल सकते हो ई ए, क्योंकि ई ए में से भी ए आ रहा है, ओके। सो लाइन बी डी कैन बी नेम्ड एज डिफरेंट वेज। बी डी को आप अलग अलग तरीके से नेम कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि बी डी को हम ए ही भी बोल सकते हैं, फाइन। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, आपको ऐसी लाइन का नाम बताना है जिसके ऊपर ओ है। तो ओ है हमारा किसके ऊपर, सी ओ के ऊपर है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी ओ बोल सकते हो या तो फिर आप सी बी भी बोल सकते हो। सो लाइन ऑन विच ओ लाइज इज वॉट, दैट इज योर लाइन सी बी, यहाँ पे आपका ओ है। देन टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन द फिगर कौन सी हो जाएंगी आपकी, ए डी एंड सी ओ। देखो ए डी और सी ओ जो है वो एक लाइन है पहले हमारा इंटरसेक्टिंग, यानी जो आपस में एक दूसरे को कट करें, फाइन, वो हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर कौन सी है, ए डी एंड सी ओ, एंड दूसरा पेयर जो आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन का वो क्या हो जाएगा, ए ई एंड, ए ई एंड एफ ई, ए ई एंड एफ ई हो जाएगा। देखो ए ई एंड एफ ई, ये भी लाइन आपस में कट कर रही है, ए ई और एफ ई, और हो जाएगा ए डी एंड सी ओ, ए डी एंड सी ओ एंड ए ई एंड एफ ई। सो ये आपकी टू लाइन्स हो जाएंगी, फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, अगर आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया है तो उसमें से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं, तो उसमें से तो बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती हैं, फाइन। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। टू गिवन पॉइंट हैं तो उसमें से कितनी लाइन्स पास होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको फिगर बताया है, फर्स्ट का जो मैंने एक्सप्लेन करा वही है, ठीक है। अब अगर दो पॉइंट है उसमें से अगर आपको एक लाइन निकालनी है, दो पॉइंट में से पूछ रहे हैं कितनी लाइन पास हो सकती है, तो दो पॉइंट में से वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास, क्योंकि दो पॉइंट है उसमें से अगर आपको लाइन पास करनी है तो एक ही लाइन पास होगी ना। अगर आप दूसरी लाइन पास करोगे तो क्या होगा, वो किसी भी एक ही पॉइंट में से पास होगी, दोबारा दोनों में से पास नहीं होगी। तो आपको दोनों में से पास हो रही हो ऐसे बताना है, तो वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, ओनली कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट में से एक ही लाइन पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सिचुएबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। सो पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, ये हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमने बताया इस तरीके से, फाइन। देन लाइक दिस वी कैन ड्रॉ कि आपका जो पॉइंट पी है ये मान लो लाइन सेगमेंट ए बी है, इस पे आपको पॉइंट पी आप कहीं पे भी लाई करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इसका फिगर बना दिया, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, दैट इज पॉइंट पी इज लाइंग ऑन ए बी। देन दिस वॉज क्वेश्चन नंबर ए। फॉर क्वेश्चन नंबर बी, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एक्स वाई लाइन एक्स वाई, ये लाइन का सिंबल है, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो क्या करेंगे, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमेशा क्रॉस में बनती है, तो हम दो लाइन्स बनाएंगे, एक का नाम देंगे एक्स वाई, दूसरी का नाम देंगे पी क्यू, और वो इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट एम पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट एम पे। तो इस तरह का फिगर बनेगा, ओके। देन लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, फाइन, बट नॉट डी। तो आप क्या करोगे, एक लाइन बनाएंगे हम, इसका नाम दे दिया लाइन एल, इसके ऊपर हमने टू पॉइंट्स बना दिए ई एफ, ई एफ जो हैं वो लाइन एल के ऊपर हैं, लेकिन डी जो है वो उसके ऊपर नहीं है, तो डी को हम आउटसाइड बना देंगे, इसको आउटसाइड बना दिया,
Fine, simple. Then line OP and line OQ meet at point O. Again ये intersecting lines जैसी बात हो गई हमारे, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं, लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ. लाइन लाइन ओ पी एंड ओ क्यू, फाइन, मीट एट पॉइंट ओ. तो ओ पे ही तो मिल रहे हैं और लाइन का नाम भी क्या है, ओ पी और ओ क्यू, ठीक है? ये ओ पी लाइन हो गई, ये ओ क्यू लाइन हो गई, ठीक है? ये वाला ओ पी एंड दिस इज ओ क्यू, दे मीट एट पॉइंट ओ. Okay, so this is how you have to draw the four figures. Now let's come to question number 6. Consider the following figure of MN. MN, आपको ये line जो है ये consider करना है. Say whether the following statements are true or false in the context of the given figure. यहाँ पे कुछ statements दिए हैं, उसको आपको देखना है और उनके basis पे यहाँ पे आपको true and false answer करना है. Fine? See, first में क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे, Q, M, O, N, P are points on the line MN. Fine. तो ऐसा बोल रहे हैं कि Q, M, O, N और P ये line के ऊपर ही हैं. हाँ, तो सही बात है. तो this statement is true. This statement is true because they all lie on the same line. Then बोल रहे हैं M, O, N are points on a line segment MN. लाइन सेगमेंट एम एन के ऊपर एम ओ एन है. अब देखो, लाइन सेगमेंट यानी क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स हों और जिसकी लेंथ भी फाइनाइट हो. तो एम एन आपकी लाइन सेगमेंट है. हाँ, एम एन जो है ना वो लाइन सेगमेंट है. अगर देखो हम इसको अलग से ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं एम एन, ठीक है, ये एम एन हो गया आपका लाइन सेगमेंट और बीच में हमने ओ ड्रॉ कर दिया. तो अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि M और N एंड पॉइंट्स हैं. ओके, बी वन, एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट. एम ओ एन पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट में. यस, ये बात तो सही है. फाइन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रू. M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन. वॉट इज क्वेश्चन नंबर सी, एम एन, एम और N है ना वो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के. तो M और N एंड पॉइंट्स हैं. यस, ये वाली बात भी सही है. तो हम ट्रू करेंगे. O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP. अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट OP. तो जो लाइन सेगमेंट का नाम होता है, जो लाइन सेगमेंट का नाम होता है वही उसका एंड पॉइंट होता है. जैसे OP, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट OP बोल रहे हैं ना, लाइन सेगमेंट OP. तो देखो लाइन सेगमेंट OP बोल रहे हैं ना, तो OP ही इसका, O इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और P इसका एंडिंग पॉइंट होगा. या तो P इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और O एंडिंग पॉइंट होगा. फाइन, तो OP में आपका यही एंड पॉइंट्स यही रहेंगे, एंड पॉइंट्स आपके चेंज नहीं हो जाएंगे. तो यहाँ पे तो देखो इन लोगों ने क्या किया है, एंड पॉइंट्स जो हैं वो चेंज कर दिए, O और N बना दिए, जबकि OP होना चाहिए ना. तो यानी ये गलत है, पूरा गलत है. M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन QO. ऐसा बोल रहे हैं कि QO, ठीक है, QO जो है आपका यहाँ पे, M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO. QO में M जो है वो एक पॉइंट है. M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट बोल रहे हैं. अगर खाली पॉइंट बोला होता ना तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, एंड पॉइंट. और लाइन सेगमेंट में मैंने आपको अभी बताया कि जो उसका नाम होगा वही उसके एंड पॉइंट्स होंगे. यानी यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, O और Q, यानी इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, O और Q ही होंगे. इसके अलावा इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा. सिमिलरली इधर भी कोई एंड पॉइंट नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहे हैं कि OP का, OQ का कोई दूसरा एंड पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ पे M बोल रहे हैं. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. फाइन, M, नेक्स्ट वन, M इज पॉइंट ऑन रे OP. OP रे के ऊपर M आपका एक पॉइंट है. OP रे के ऊपर M आपका एक पॉइंट है. तो भाई OP रे तो इधर से स्टार्ट हो रहा है और M तो पीछे है, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ से तो आप बढ़ा भी नहीं सकते हो और कम भी नहीं कर सकते हो, ये तो आपका फिक्स पॉइंट है. तो यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ. रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ. सही बात है, OP अलग है और OQ भी अलग है. फाइन, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम. रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम. नहीं, कैसे हो सकता है, ओ एम तो आपका
अलग है और OP अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, फाइन, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है. रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP. बोल रहे हैं कि रे OM जो है वो अपोजिट नहीं है, रे OM जो है वो अपोजिट नहीं है OP के, रे OM तो अपोजिट है. ओके, सी, वन इज गोइंग, वन रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, OM जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और OP जो है वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों तो अपोजिट हुए ना. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि नॉट अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, नॉट अपोजिट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, फाइन. नेक्स्ट वन, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP. ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP मीन्स अगर हम फिगर में देखें तो OP का इनिशियल पॉइंट क्या है, O है. आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वाई, बिकॉज O इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP. रे OP का इनिशियल पॉइंट तो O है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. देन N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड रे NM, ठीक है. N जो है वो इनिशियल पॉइंट है N और NM का. तो देखो यहाँ पे आपको फिगर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ जो सिंबल है ना उसको देख के ही आप आंसर कर सकते हो. देखो यहाँ पे NP है तो N से स्टार्ट हो रहा है, NM है तो यहाँ पे भी N से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब N इसका इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब दिस इज़ ट्रू, ठीक है. इसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम देख के ही कर सकते थे. देखो OP है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट O होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नॉट एन स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, इसलिए हमने इसको फॉल्स लिखा, फाइन. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. इफ़ एनी डाउट्स आर देयर यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स.